अरे यार, इस अंधेरे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये रूम किसका है। क्या करूं, पर चेक तो करना ही पड़ेगा ना। भले अभी मैं शक्ल से बोलूं, पर दिल तो है डूबा डूबा एक का ही ना। और पृथ्वी लोग आकर हिमक्रीम नहीं खाई तो किया क्या, चलो खा लेता हूँ हिमक्रीम रसोई घर जाकर। अच्छा पिताजी, खाई जा रही है हिमक्रीम अंधेरे में छुप छुप के, चलो खाता हूँ मैं भी। पापा हुआ क्या, लग रही है ठंड, कर दूं फ्रिज बंद? आई आई पीछे पीछे। कौन हो तुम? अरे मैं बल्लू पापा। हाँ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। सॉरी। जोके क्या चोर है, पकड़ो। आओ, पकड़ो, छोड़ना नहीं उसको। हाँ। चोर, जिसका डर था वही हो गया। लोग सब अपने असली रूप पर आ गए और जुबा जुबा एक अपने फलंग पर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब लोग जुबा जुबा एक को चोर समझ रहे हैं। पकड़ो। अरे कस्तूरी, चोर तेरे पीछे है। अरे आपके भी तो आगे है, आप चोर को पकड़ो। नहीं नहीं, देखो उस डिब्बे को हाथ मत लगा ना, वो मेरे मायके से आया है, मेरी चाची ने उसमें चकली भेजी। कुछ और छुरा ना तो छुरा लो, लेकिन ये डिब्बा नहीं। अरे तुम्हारा डिब्बा क्या? ये मेरा डिब्बा। अरे तुम्हारी चाची की चकली के चक्कर में चोर छूट रहा है क्या? हाँ, फंस गया। मुझसे नहीं होता है। अरे भाई, हम लोग थक गए, वापस भागना है, थोड़ी देर आराम कर ले। चोर चोर। हाँ भाई, हमने उसको बैठने के लिए बोला है। ये चोर वापस बड़ा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे देख, रॉकी के जैसा आवाज निकलता है, बहुत खतरनाक चोर है। एक डंडा भी है इधर, लाओ लाओ। अरे ये तो रॉकी है, तो फिर चोर कहाँ गया? वो रहा चोर। अरे वो रहा। अरे अभी देखो, वापिस घुटनों पे दौड़ना शुरू किया। पकड़ो पकड़ो, अब कहाँ भागेगा? चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अंदर बॉस को सब चोर समझ रहे होंगे, अब क्या करे? अरे ठीक से बोलना। बोल तो रहा हूँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमने उनका नमक खाया है। हाँ यार, बर्गर में, पिज्जा में, नूडल्स में, आइसक्रीम में है। आइसक्रीम में नमक कहाँ होता है? शुगर तो होता है ना। कोई बात नहीं, आज नमक के साथ साथ शुगर का भी कर्ज अदा कर देंगे। जवान, हथियार उठा और अंदर चल। चलो यहाँ से नहीं, खिड़की से। ओह सॉरी, चलो। मुझे भी इतनी सारी नई नई चीजें देखने को मिली है। मेरा भी मन कूदने का इन बादलों पे इन बच्चों के साथ, वरना कहाँ देखने को मिलते थे ऐसे हसीन बादल भयानक लोक में। वो परिंदों की काय काय, ज्वालामुखियों का फूटना ढाई ढाई। इतनी सारी नई चॉकलेट्स खाने को मिली ना। मजा आया ना मानो? हमें बहुत मजा आया, लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे और परेशान होंगे। अरे मैं इस बारे में बात कर लूंगी रानी परी से, तू अभी खेलना चल। ये क्या है रानी परी, और किस लिए? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लग रहा है कि कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। शिकार मेरे सामने है और मैं शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ जाने दो, वैसे भी कहाँ किसी के समझ में आती इनकी बातें। मुझे मानव और मेहर चाहिए थे ताकि मैं इनके द्वारा बालवीर को परी तारा के आधे हिस्से के साथ यहाँ परी लोक तक ला सकूं, और मैं वही करने जा रही हूँ। मैं इस हथियार से इन बच्चों को इतना दर्द दूंगी, इतना दर्द दूंगी कि इनकी चीखें सुनकर बालवीर को आना ही पड़ेगा। महेश, तुझे चोर दिखाई दे रहा है? हाँ बाबू जी दिखाई दे रहा है। उसने चद्दर ओढ़ी हुई है। हाँ हाँ बाबू जी, वही जिसे चद्दर डाली हुई है। बराबर देख रहा है, तो फिर अटैक। मारो, मुझे लग रहा है इसे मारना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी। नमस्ते आंटी। नमस्ते चाचू। बेटा हमने चोर को पकड़ा है, चोर को मारो। रुक जाओ। अरे ये तो मोंटू बॉस की आवाज है। हाँ मैं ही हूँ। मोंटू तू? बैठा उसको, बैठा बैठा। ओ बाबूजी गलती हो गई, ये तो मोंटू है। बस बैठो बैठो। कितना मारा आपने मुझे, कितना? वो तो हमने गिना नहीं। मोंटू बेटा तू इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रहा है? वो मैंने मानव मेहर को कहा था कि मैं उनकी नोटबुक लेने आऊंगा। मुझे लगा कि वो अब तक मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए मैं नोटबुक मांगने आ गया। लो, और ये लोग तुम्हें चोर मान बैठे। हाँ खामा का एक्सटेंशन हो गया ना। हाँ एक्सटेंशन नहीं, टेंशन। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे माँ टेंशन तो मुझे हो रही है। बापूजी हमारे घर में चोर है, बड़े बड़े कान वाला और लंबी लंबी नाक वाला। बड़े कान वाला, लंबे नाक वाला हो सकता है कौन? मुझे पता है वो चोर कौन है। वो चोर है महेश। तू? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं भला अपने घर में कैसे क्यों चोरी करूंगा बापूजी? मुझे पता है तुम छुप छुप के ये आइसक्रीम खा रहे थे। मैं आइसक्रीम खा रहा था बापूजी। जब मैं आइसक्रीम लेने गया ना, तभी मैंने उस चोर को देखा था। हाँ मैंने देखा था। बेटा तुम्हें वहम हो गया है, जा सो जा बेटा, सो जा। चलो बेटा बहुत रात हो चुकी है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। क्या आंटी मानो मैं घर पे है क्या? हाँ वो लोग सो रहे अपने कमरे में, और इतनी रात को घर पे ही होगी ना बेटा। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे लगता है कि पिटाई का असर अब तक है। बेटा जा अपने घर जाओ। हाँ 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 आराम करो, जाओ जाओ। आओ आओ बेटा चलो ना। मदद के लिए शुक्रिया चुलबुली तितली। खुश रहो चुलबुली तितली। रुकिए रानी परी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब? शायद आप भूल रही हैं रानी परी कि आपने एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। मानव और मेहर दर्द से चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो भी उनकी आवाज उस कवच से टकराकर वापस आ जाएगी। बालवीर तक तो पहुंचेगी ही नहीं। हाँ, बेवकूफ कम अक्ल है आप परी भयंकर। मतलब ऐसा समझती है कि नटखट परी आपको, मतलब सोचा है आपने कुछ ना कुछ तो होगी कुछ ना कुछ उसमें बात। नहीं तौबा तौबा, नटखट परी ठीक कह रही है। तुम्हारे साथ रह रहकर कभी कभी हमारी अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है। और इसे देखो, कुछ ही समय हमारे साथ रहकर ही कितनी होशियार और शैतान बुद्धि हो गई है। रानी परी, हमारा फायदा इसी में है कि इस वक्त हम इन बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये मानव और मेहर ही हमारी आखिरी उम्मीद है परी तारा का आधा हिस्सा पाने के लिए। तुम ठीक कह रही हो नटखट परी। ये बच्चे मेरा सबसे बड़ा हथियार है बालवीर के लिए। एक ऐसा हथियार जिसके आगे बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन ये खबर बालवीर तक पहुंचाएगा कौन कि उसके चहीते मानव और मेहर हमारे कब्जे में है, क्योंकि हम और तौबा तौबा तो पृथ्वी लोक पर सुरक्षा कवच की वजह से जा ही नहीं सकते। हाँ। लेकिन मैं तो जा सकती हूँ ना रानी परी। वो कवच आपको और आपकी बुराई को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं तो अभी भी नटखट परी हूँ। मुझे वो कवच नहीं रोकेगा। ठीक कह रही हो तुम नटखट परी। तुम जाकर बालवीर से कहो कि उसके चहीते मानव और मेहर हमारे कब्जे में है। हाँ। और अगर वो उन्हें सही सलामत चाहता है तो परी तारे का आधा हिस्सा लाकर हमें दे दे और बच्चों को ले जाए। जैसा आप कहे रानी परी। नटखट परी यहाँ भयंकर परी के साथ, ये कैसे हो सकता है? आपका ये संदेश तो मैं बालवीर तक पहुँचा दूंगी रानी परी, लेकिन अगर बालवीर ने गुस्सा होकर मुझ पे वार कर दिया तो मैं क्या करूंगी रानी परी? मेरे पास तो उससे मुकाबला करने के लिए कोई शक्तियां ही नहीं। और अगर उसने मुझे कैद कर लिया फिर तो मुझे मजबूरन आपकी बजाय उसका सहायक बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भयंकर परी अपने सेवकों का पूरा ख्याल रखती है। अब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो क्या हम तुम्हें थोड़ी सी शक्तियां नहीं दे सकते? ये लो नटखट परी, इसके सहारे तुम बालवीर से लड़ सकती हो। मगर याद रहे, ये भयंकर परी का दिया हुआ दंड है, इसलिए इसका कोई भी वार भयंकर परी पर नहीं चलेगा। अच्छा ही है, अब गलती से भी मुझसे कोई गलती नहीं होगी रानी परी। क्या हो गया नटखट परी? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और आप मुझसे नाराज हैं, और आप इसलिए भयंकर परी से मिल गए। आपकी वो चॉकलेट वाली नदी और आइसक्रीम वाले पहाड़ बहुत ही अच्छे थे। ये मानव और मेहर यहाँ भयंकर परी के साथ क्या कर रहे हैं? भूलना हाँ। अरे हाँ, पर हमें परीलोक में आए हुए बहुत देर हो गई है। अभी हमें घर जाना है, मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। ये लोग तो भयंकर परी को ही रानी परी समझ रहे हैं, और नटखट परी भी इन्हें रोक नहीं रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि नटखट परी भी ऐसा कर सकती है। मेरी वजह से मानव और मेहर खतरे में पड़ गए। अगर मैंने अभी मानव और मेहर को बचाने की कोशिश की तो भयंकर परी पता नहीं गुस्से में आके क्या वार कर दे। नहीं, मुझे सही समय पर ही वार करना होगा। हमारी तुम्हारी माँ और पिताजी से बात हो गई और हमने उनसे तुम्हारे परीलोक में कुछ देर और रुकने की आज्ञा भी ले ली। हाँ हाँ, अभी तुम दोनों परीलोक में हमारे मेहमान बनकर रहो। अरे अभी तो बहुत खातिरदारी करनी है तुम्हारी। तुम्हें नहीं पता तुम कितने खास हो हमारे लिए, इसलिए ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। और फिर बालवीर भी अभी आ ही जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए तुम अभी जाओ और खूब खेलो या फिर थोड़ा आराम कर लो। रुको, रुको बच्चों। जाने से पहले हम आप दोनों को एक तोहफा देना चाहते हैं। तोहफा? सच्ची? ये करे तुम दोनों के लिए है। लेकिन ये तो बहुत बड़े हैं, हमारे हाथों में कैसे आएंगे? अपने हाथ आगे करो। अच्छा, अब तुम जाओ और खेलो, और हाँ, हमें बताए बगैर रानी महल के बाहर मत जाना। यही सही समय है मानव और मेहर तक पहुंचने का। ये क्या रानी परी, आप तो बच्चों को खुश रखने में विश्वास ही नहीं रखती। फिर इन बच्चों को खुश करने के लिए इनके लिए तोहफे? वो तोहफे नहीं हैं, बल्कि उनके हाथों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं। अब वो चाहे जहां भी चले जाएं, मुझे उनकी खबर रहेगी और मैं यहीं से उनको अपने वश में रख सकती हूँ। लेकिन अगर इन बच्चों ने कोई चालाकी की या रानी महल से बाहर जाने की कोशिश की तो? ये बच्चे मेरी मर्जी के बगैर रानी महल से बाहर नहीं जा सकते। और अगर किसी परी ने या फिर बालवीर ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो वो कड़े मानव और मेहर को मोम का पुतला बना देंगे।